महाशिवरात्रि पर रामगढ़ में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना की गई। जिले के रजरप्पा स्थित राज्य के सबसे ऊंचे शिवलिंग पर भी भक्तों ने पूरी आस्था के साथ जलाभिषेक किया और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। यह कंटिन्यू रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। आज यहाँ पे इतना भीड़ है कि सुबह 3 बजे से पूजा के लिए लाइन लगा हुआ है और सब कोई पूजा कर रहे हैं। इस मौके पर मंदिर न्यास समिति के पुजारी असीम पंडा और वर्षों से यहाँ पूजा करा रहे लाल बाबा ने बताया कि शिव पुराण के दौरान चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाया जाता है और इस दिन रुद्राभिषेक करने से यथेष्ट की प्राप्ति होती है। सती ने जिस दिन जग कुंड में देह को त्याग किया था उस दिन चतुर्दशी का दिन था, तो जब तक शिव जी वहाँ पहुँचेंगे तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। जिले के टूटी झरना प्राचीन शिव मंदिर में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से कामना की। गौरतलब है कि अंग्रेजों के शासनकाल में खुदाई के दौरान यह पूरी मंदिर निकली थी। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग पर 12 महीने प्राकृतिक रूप से स्वतः जलाभिषेक होते रहता है। मिला फिर बरेंडा मिला, उसके बाद पताल शिवलिंग। शिवलिंग के पश्चिम भाग में माँ गंगा स्थित है और माँ गंगा के नाभि से ही 12 महीने 24 घंटा जल अभिषेक जो है कंटिन्यू होते रहता है बाबा। जिलों के अन्य शिवालयों में भी पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना हुई। रामगढ़ से KK तिवारी की रिपोर्ट।